गिर गया, देखो मेरा बता कैसा गिर गया। क्या हो गया बता कैसा गया? गिर गया डायरेक्ट उल्टा से ऐसा गिर गया, और चाकू भी मिल गया। लेकिन ये देखिए दांत काटने का चाकू, एक बाया जो चाकू मिला दिया। अच्छा। और ये जो देखो वास गिर गया था, डायरेक्ट फोंग करके गिरा है ऐसे ना। ये देखिए चाकू, देखिए यहाँ से काटता है ये कोना से कैसे काटता है देखो, ये देखो ऐसे काटता है। चाकू नहीं लिया क्यों? आधा कच्चा आधा पक्का, इसीलिए बीच बीच में ना देखा, ये कच्चा है, ये पक गया, इसलिए देख देख के निकलना पड़ता है। बहुत मेहनती है ना, मेहनत करना पड़ता है। आप लोग तो सारे काम हाथ से करना पड़ता है ना। ये हेलो, आप लोग कैसा है? आप लोग सभी को स्वागत करता है जीरो अरुणाचल प्रदेश में। आज मैं पहुंच गया अराउंड 7:30 AM इन द मॉर्निंग। गुवाहाटी से स्टार्ट किया था कल अराउंड 4:30 PM गुवाहाटी ISBT से। अरुणाचल प्रदेश का सरकारी बस से आया है, पूरा राज्य जर्नी किया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा है जीरो में किस तरह से फेरी को हार्वेस्ट करता है, धान को किस तरह से काटता है, और फिर किस तरह से थ्रेस करता है। सो आप लोग देखते रहिए, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये लोग धान निकल रहा है, देखो हाथ से ही निकल रहा है ना। हाथ से ही निकल रहा है, और वहाँ पे चिकल से भी काट रहा है, वहाँ पे खांसी से। ये लोग हंसने लगा हमें आते ही। अंदर तो जा नहीं पाएगा, अभी भी गीला गीला है अंदर में। ये लोग ऐसे काटता है देखो, अंदर तो जा नहीं पाएगा, फिर बास्केट में मारता है इस तरह कैसे। भाई ये कैमरा थोड़ा लेके जाओ तो थोड़ा दिखाइए उधर, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, ये गीला है। आप ब्लॉगर बन जाइए आज के लिए। क्या यूट्यूब है क्या? हाँ। कौन सा चैनल? मेरा ट्रैवलिंग अल्फ्रेड नाम में है। ट्रैवलिंग अल्फ्रेड? हाँ देखा हुआ। ये देखो हाय, काम कर करके पूरा गीला हो गया। हाय ये धान को मार मार के ऐसा गिराता है यहाँ से। ये रहा थोड़ा रंग के दिखने का। ये मछली कहाँ से मिलेगा? मछली अभी एक्चुअली क्या है ना, पानी को सुखा दिया ना, तो मछली को उठा के खा गया। आज का हीरो। हाय हाय, अरे काम करके हाय हाय बोलो, काम नहीं करने से। ओए मार के दिखाओ कैसे मारता है, बता दीजिए। हाँ हम लोग ऐसे मारता है। कहाँ पे मारता है ये देखिए, यहाँ पे। ये क्या है? बेल। बेल, इस बेल पे मारते है इसको, और धान को गिराता है। यहाँ पे कीचड़ है ना, तो यहाँ पे इसलिए धान मारा हुआ धान को यहाँ नीचे रखता है। आते आते हाँ चाकू नहीं मिल रहा, ढूंढो कहाँ पे गया। ऊपर ऐसे गिर गया ना, वही कैसा करके गिर गया था। धान जो पूरा उल्टा फुलता है, कैसा है धान को बताइए? उल्टा फुलता है, अलग अलग है, अलग अलग धान है। हाँ, करने का आदमी को पूरा तकलीफ हो रहा है। अच्छा, तो आज का कौन सा किस्म का धान है? ये नूम वाला। नूम वाला है। हाँ ऐसे करके पिक देगा आप कहीं ऐसे करके में लगेगा।
लगेगा लगेगा, खाली पांव वाला लगेगा रे। भाई ने तो ब्लॉगर भी बन गया आज, थैंक यू। क्योंकि हम तो जा नहीं पाता है ना, ये ऐसे जूता पहन के देखो, यहाँ बहुत कीचड़ है ना, ये देखो ना भाई लोग गाम बूट पहनता है, ये पहन के जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब बाब आने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं है कीचड़ कीरा वीरा करने से भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जीरो में ना ये लोग मछली भी पालता है ना, ये पैडी फील्ड में है। अभी पानी सुखा दिया, मछली को मार के खा लिया सारे के सारे, है ना। मुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। हाँ, अभी सूख गया ना, काटने के लिए इसको सुखाया गया। सुखाया, हाँ हाँ हाँ, उससे पहले मछली रहता है। भाई लोहारी भी अच्छे है, इधर भी है अपना भाई, है ना, ईटानगर से आया है ना धान काटने के लिए। अभी धान काटने का सीजन है, और ये है ना जमा कर दिया इधर भाई। ये तो अलग तरीके से धान है ना, वो क्या बोलता है, वो कील जैसा है वो, ये है, ये है। ओ ये क्या मिला है, कुछ मिला देखा, ये क्या देखा रहा है, चाकू है, चाकू गिर गया, धान काटता है इस चाकू से। ओ ये चाकू देखा ना, ये चाकू बहुत छोटा छोटा है, छोटा छोटा चाकू से धान काटता है, लो देखा ये। बता दो, पूरा गिर गया, देखो मेरा पता कैसे गिर गया, क्या हो गया पता कैसे गिर गया, डायरेक्ट उल्टा से ऐसा गिर गया, और चाकू भी मिल गया। लेकिन ये देखिए दांत काटने का चाकू, एक भैया जो चाकू मिला दिया, और ये जो देखो वासियासी गिर गया था, डायरेक्ट फोंग करके गिरे है ऐसे ना। और टोपी भी ऐसा पहन के, टोपी क्यों पहनता है आजकल जमाना में, सन आने से तो ऐसा टोपी पहन के तब खेती दान करते हैं, ताकि धूप नहीं लगे ना। हाँ, जब धूप नहीं लगे तो जब शाम आ जाएगा तब वापस घर चला जाएगा। ये देखिए चाकू देखिए, यहाँ से काटता है ये कोना से कैसे काटता है, देखो ये देखो ऐसे काटता है। बाय, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, ओके, मोस्ट वेलकम। अरुणाचल प्रदेश का लोग है ना बहुत फ्रेंडली होता है यार, सच्ची में बहुत वेलकमिंग होता है। मैंने कहीं भी गया है ना, मतलब इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, इतना अच्छा वेलकमिंग, मतलब घर की तरह फीलिंग आता है यहाँ पे। कौन सा वाला, ये देखिए ये वाला, ओ इसको क्या कहता है, उसको कहते हैं इस तरह किसे निकलता है, कुत्ता आया, कुत्ता आई, ये मीठा है, चिड़िया लोग खाते हैं ना, ये काला काला वाला, और जैसे खजूर जैसे फील आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये पतन भी ऐसे हम लोग भी खाते हैं। वाओ, ये काला काला ही खाना है, उधर है पक गया थोड़ा, और ये जो वो है ना, हाँ ऑरेंज वाला, हाँ वो खत्ता होगा, खत्ता होगा ना, ये हब पक गया इस तरह से काला काला होता है, हम भी चिड़िया बन गया है। बहुत सारा है यहाँ पे, वो भाई ने मुझे खिला रहा है, वो देखो कुछ निकल के, बोलिया मस्त। चाकू नहीं लिया क्यों, आधा कच्चा आधा पक्का, इसीलिए बीच बीच में ना देखा, ये कच्चा है, ये पक गया, इसलिए देख देख के निकलना पड़ता है, बहुत मेहनती है ना, मेहनत करना पड़ता है। आप लोग तो सारे काम हाथ से करना पड़ता है ना, ये और मिट्टी भी तैयारी हाथ से करता है ना, फावड़ा लेके, कोई ट्रैक्टर वैक्टर यूज नहीं करता है, कोई हाल नहीं यूज करता है, हर से हाथ से काम करना पड़ता है। ये लोग सुबह निकलता है ना, कितना बजे निकलता है, आठ बजे से कम 5 बजे तक काम करता है, बहुत मेहनत करता है ये लोग, और बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है, हम तो आसाम से आया है, बहुत वेलकमिंग है ये लोग। ब्रो मछली मार रहा है, फ्रॉग मिल रहा है कि नहीं, जस्ट स्टार्टिंग है ना, कितना देर से मार रहा है, अभी शुरुआत किया है ना, इसको मारने तकलीफ है ना, आता नहीं, बुलाना पड़ता। वाह छोटा है अभी, बड़ा नहीं हुआ, बड़ा नहीं, बड़ा भी होता है ना,
इसे बड़ा तो होता है, इसे बड़ा होता है। इस साल का बच्चा होगा ये, अभी बाद में दान जब खत्म हो जाएगा हाँ तब मारने आएगा। शुरुआत है मतलब, शुरुआत हो गया। एक हो गया बस। हम लोग आ गया है भाई का घर में है, भाई का तीन तीन जगह में घर है। ये हो गया गांव है ना, हारी गांव है ना, हारी विलेज बोलता है। और भाई का घर हापोली में भी है, लोअर सुबनसिरी का हेडक्वार्टर है हापोली, फिर ईटानगर में भी है। तीन तीन घर है शायद, तीन तीन जगह में छुपा के तो रखा नहीं है ना। नहीं नहीं, आराम से लगा। इस तरह कैसे घर होता है आपातनी ट्राइब का, यह ट्रेडिशनल हाउस है वो लोग का। अभी रूफ वगैरह को मॉडिफाई कर लिया, टीन लगा लिया। पहले तो थेट रूफ वगैरह होता था, लेकिन आजकल तेज रूप मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए टीना का घर बना लिया है। अभी हम लोग इसी घर में रहने वाला है। आंटी को देखिए, ये आपातनी ट्राइब का लास्ट जेनरेशन टीटू है, लास्ट जेनरेशन। ये लोग मार गया तो खत्म हो गया, इसे बलान देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट जेनरेशन है, अभी बैन है इस तरह के से टीटू बनाना, बैन है। स्टूडेंट्स यूनियन ने बैन कर दिया क्योंकि ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। ये नोज प्लग भी है देखो, ये आंटी का नोज प्लग। और किसी किसी का तो ईयर में भी पूरा बड़ा वाला वो लगाता है, लेकिन आंटी के पास नहीं है। हिंदी हिंदी आता नहीं है, ये लोग ऑल जमाना लोग हिंदी आता नहीं है। जो नया जेनरेशन ये लोग पूरा हिंदी आता है। आप लोगों को दिखाने जा रहा है अभी घर के अंदर में। आप लोग ने देख लिया, वो लोग का ट्रेडिशनल घर इस तरह से होता है। हॉल होता है और आग लगाने का होता है यहाँ पे, फिर ऊपर में फायरवुड वगैरह सुखा के रखता है यहाँ पे फायरवुड वगैरह। ये किचन नहीं है, ये बैठ के ऐसे मतलब मस्ती करने का है। फिर देखिए ये है प्लेट वगैरह धोने का है यहाँ पे, है ना, साफ करने का खाने पीने के बाद। और जिस तरह आते रहिए, और यहाँ पे एक है, ये किचन है यहाँ पे, है ना, मेन किचन है यहाँ पे। ये लोग खाना वगैरह बनाता है, देखो बर्तन बॉटल सब यहाँ पे है। और बाहर में आइए देखो, इस तरह कैसे ऑफेंस स्पेस होता है। देखो यहाँ पे भी टैप है, यहाँ पे कपड़ा वगैरह धो सकता है, नहा भी सकता है ना। और व्यूज देखो यहाँ पे, इस तरह से किचन गार्डन वगैरह है इधर। सीजन वाइज ये लोग वेजिटेबल्स वगैरह कल्टिवेट करता है। और देखो यहाँ पे अच्छा बेडरूम भी है, देखो मॉडर्न बेडरूम या वेस्टर्न टॉयलेट वेस्टर्न। फिर इधर दो रूम है ना, इस तरह के रूम है, ये कॉमन हो गया। और यहाँ पे एक बेड है, इधर भी बिस्तर लगा के सो सकता है। बहुत मजेदार जगह है क्योंकि जगह बहुत ठंडा है, तो आग तो लगाते रहना पड़ता है। अभी इस घर में कोई रहता नहीं है, हापोली में रहता है और फिर ईटानगर में कभी कभी आता है ये लोग यहाँ पे। तो ये घर कुछ दिनों के लिए हमारा हो गया है, ये भाई भी रहेगा इसी घर में, हमारा हो गया। भाई सोलो नुमर ही छाइकर और मैं, हमारा घर बन गया अरुणाचल में मेरा घर। मालिक नहीं है तो हम ही मालिक बन गया। ये भाई भी रहेगा इधर, वीडियो बनाएगा। इस भाई का चैनल भी चेक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, नुमर ही छाइकर, है ना। भाई को भी सबसे करो, अभी बहुत मेहनत कर रहा है। सोलो नोमेड लिखने से आ जाएगा, आ जाएगा। वही आज इतना खास वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आज सुबह पहुंचा बहुत थक गया, पूरा रात बस में था, बस में सो के। फिर मैंने आके यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, नहा धो के थोड़ा कैंप साइड में गया और वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश किया था। बस वही आज के लिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।